बर्गर और पिज्जा, नाम लिया नहीं, बच्चे हो या बड़े, सभी के मुंह में आ जाता है पानी। तो आज हम बनाएंगे डोमिनो स्टाइल बर्गर पिज्जा। वो जो आप डोमिनोज में खाते हैं ना, नया वाला बर्गर पिज्जा खाकर मजा आ जाता है, फ्यूजन कॉम्बिनेशन बर्गर और पिज्जा का, बिल्कुल वही सेम टू सेम आप घर में बनाएंगे। ना कोई ईस्ट, ना अवन, ना कुकर, ना कढ़ाई, ना मैदा भूनने का झंझट। फटाफट वाली रेसिपी, इतनी जबरदस्त कि एक बार ट्राई कर ली तो बार बार बनाएंगे। आज हम बनाने वाले हैं प्रीमियम वेज, जबरदस्त टेस्टी के मुंह में पानी ला दे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। डोमिनो स्टाइल बर्गर पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे पिज्जा वाली फिलिंग, यानी पिज्जा टॉपिंग। तो उसके लिए आप गैस पर चढ़ाएं एक कढ़ाई या फिर पैन, गैस को करें ऑन, फ्लेम को कर दें मीडियम। मीडियम फ्लेम पर पैन में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड गार्लिक यानी लहसुन। हल्का सा सॉटे करेंगे। अब गार्लिक के साथ ही इसमें जाएगी 1 प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर प्याज और गार्लिक को बढ़िया से सॉटे कर लेंगे। यहाँ पर जो हम फिलिंग बना रहे हैं, इसमें सारी वेजीज पूरी तरह से ऑप्शनल हैं। जो आपकी फ्रिज में हो, जो आप लाइक करें, वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। दूसरा जरूरी पॉइंट, सब्जियों को बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, क्रंची होनी चाहिए। जैसे जब बर्गर या पिज्जा आप खाते हैं ना, उसमें हल्की क्रंची होती है, बस उतना भर हमें पकाना है। बहुत ज्यादा इसको मुलायम नहीं करना, बस इतना कि ट्रांसलूसेंट सी हो जाए, ज्यादा नहीं पकाएंगे। और साथ ही इसमें अब जाएगी 2 लाल मिर्च जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास लाल मिर्च हो इस तरीके की तो डाल लें, वरना जो सूखी वाली लाल मिर्च होती है ना, थोड़ी देर गर्म पानी में भिगोइए, उसको काट करके डाल लीजिए। बगैर इसके भी आप बना सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल दे रही हूँ 3 बड़े चम्मच शिमला मिर्च चॉप की हुई, 2 बड़े चम्मच गाजर, 2 बड़े चम्मच स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न डालना आपकी चॉइस है, हो तो डालिएगा, वरना आप इसके बगैर तैयार कर सकते हैं। साथ ही मेरे पास थी लाल वाली शिमला मिर्च, तो 2 बड़े चम्मच मैंने लाल वाली शिमला मिर्च भी ले ली। सभी चीजों को मीडियम फ्लेम पर सॉटे कर लेंगे। और हाँ, एक चीज तो हम भूल ही गए, वो है टमाटर। तो ये मैंने लिया 1 मीडियम साइज का टमाटर चॉप। वाओ, क्या सुंदर लग रही है मल्टी कलर वेजीज, हेल्दी टेस्टी। तो बस मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा चलाते हुए इसको क्रंची सा पका लेंगे। तो चलिए अब जल्दी से एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी पिज्जा सॉस की। तो पिज्जा सॉस घर में कैसे बनाते हैं, उसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब मैं यहाँ पर आपको एक इंस्टेंट तरीका बता रही हूँ कि घर में मान लीजिए पिज्जा सॉस नहीं है, तो आप लीजिए टोमेटो केचप, सिंपल अपनी सॉस टमाटर वाली। तो ये मैंने ले ली 3 से 4 बड़े चम्मच टोमेटो केचप। इंस्टेंटली हम पिज्जा सॉस तैयार कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। इसमें आप डालिए 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच पिज्जा वाली सीजनिंग यानी पिज्जा सीजनिंग, जिसे आप मिक्स्ड इटालियन हर्ब्स भी बोलते हैं। अगर पिज्जा सीजनिंग ना हो, मिक्स्ड हर्ब्स हो तो वो डाल लीजिए, ओरिगैनो हो तो वो डाल लीजिए, अच्छा फ्लेवर मिल जाएगा। तो लीजिए, हमारी इंस्टेंट पिज्जा सॉस है बिल्कुल तैयार। आपके पास पहले से पिज्जा सॉस हो रेडीमेड तो बहुत बढ़िया, तो आप वो यूज कर लीजिए। एक चीज और देख लेते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं डोमिनो स्टाइल बर्गर पिज्जा प्रीमियम वेज, तो उसमें पड़ता है पनीर। तो ये मैंने लिया इंडियन कॉटेज चीज यानी कि पनीर, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स फॉर्म में कट कर लिया है। लगभग मान के चलिए 3 बड़े चम्मच के करीब मैंने पनीर लिया है। इसमें आप डालिए 1/4 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स या लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी डालिए मिक्स्ड हर्ब या इटालियन सीजनिंग या पिज्जा वाली सीजनिंग, थोड़ा सा नमक, 1/4 छोटी चम्मच गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन का पेस्ट, 2 पिंच हल्दी। बस इसको इस तरह से मिक्स कर लीजिए, यानी एक तरीके का ये मैरिनेशन हो गया। 1-2 बूंद डालेंगे ऑयल की और इसे कर दीजिए इस तरह से टॉस। फिर जब आप इसे यूज करेंगे ना बर्गर पिज्जा में, मजा आ जाएगा, बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा जो वेज प्रीमियम बर्गर पिज्जा में डोमिनोज में आता है। ये देखिए, इस तरह तैयार कर लेंगे। अगर आप पनीर नहीं डालना चाहते तो इसके बगैर भी आप तैयार कर सकते हैं, तो बन जाएगा हमारा क्लासिक वेज बर्गर पिज्जा। चलिए तो अपनी वेजीज को भी चेक कर लेते हैं, परफेक्ट। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ जो भी पिज्जा सॉस बनाई ना, उसके 2 बड़े चम्मच। अगर आपके पास रेडीमेड पिज्जा सॉस है तो यहाँ थोड़ी सी पिज्जा सॉस आप वो डाल दें, साथ ही साथ 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप भी डाल दीजिए। 1 छोटी चम्मच पिज्जा वाली सीजनिंग, 1 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक। सभी चीजों को कर लेते हैं बढ़िया से मिक्स।
बड़े मजे की रेसिपी है, साथ के साथ टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, बनाना आसान है। ये देखिए क्या मस्त हमारी पिज्जा वाली फिलिंग तैयार हो रही है। बस इस स्टेज पर जो भी हमने पनीर तैयार किया ना मैरिनेट करके इस तरह से, वो सारा आप इस पे डाल दीजिए और पनीर डाल करके अच्छे से फिलिंग के साथ ही मिक्स कर देंगे। लीजिए हमारी जबरदस्त वाली टेस्टी बर्गर पिज्जा की प्रीमियम वेज वाली फिलिंग है बिल्कुल तैयार। अगर आप यहाँ ऑलिव्स वगैरह आपके पास हो वो यूज कर सकते हैं, पेपरिका है तो वो भी यूज किया जा सकता है। मैं वो चीजें बता रही हूँ जो इजीली हर घर में रहती हैं। चलिए तो हमारी बर्गर पिज्जा के लिए टॉपिंग है बिल्कुल तैयार। गैस को बंद करते हैं और इसको निकालते हैं एक बोल में। लग रही है ना एकदम यम्मी, क्योंकि हम बना रहे हैं फटाफट बर्गर पिज्जा। तो ये मैंने ली है बर्गर बंस जो कि बहुत ही आसानी से हर जगह अवेलेबल है। तो आप लीजिए एक बर्गर बन, इस तरह पकड़िए और बीच में से कर लीजिए बराबर बराबर स्लाइस कट। ये लीजिए परफेक्ट। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर हम लेंगे वो लेंगे मेयोनीज। ये मैंने ली है एगलेस वेज मेयोनीज, इजीली अवेलेबल है। तो ये हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास बर्गर वाली मेयोनीज हो ना तो आप वो यूज करें, और मेयोनीज नहीं है तो आप इसके बगैर सिंपल जो भी हमने पिज्जा सॉस तैयार की ना वो लगा करके भी अपना बर्गर बना सकते हैं, या फिर आप बटर लगा लें। मैं आपको सारे ऑप्शन देती जा रही हूँ, या फिर चीज स्प्रेड हो आपके पास तो आप चीज स्प्रेड भी लगा सकते हैं। दोनों साइड जो हमने दो पीस कट किए ना दोनों साइड लगा लीजिए। दूसरे बर्गर के लिए भी हम इसी तरह मेयोनीज लगा लेंगे। सभी चीजों का ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ये सभी चीजें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और अब हम लेंगे हमारी जबरदस्त वाली टेस्टी पिज्जा टॉपिंग्स यानी पिज्जा वाली फिलिंग। तो एक बड़ा चम्मच लेकर के इस साइड इस तरह लगाएंगे और इसको स्प्रेड करेंगे। जितनी फिलिंग आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, घर में बना रहे हैं अपने तरीके से असेंबलिंग कर सकते हैं। ये देखिए है ना बिल्कुल वेज प्रीमियम वाले बर्गर की फिलिंग। दूसरे पर भी हम बिल्कुल इसी प्रकार लगा लेंगे। यूजुअल टिक्की वाला जो बर्गर होता है यानी पैटी वाला जो बर्गर होता है उससे अक्सर हम बोर हो जाते हैं, तो आप ये वाला जरूर ट्राई करें। और जो ये बर्गर पिज्जा होता है ना इसमें पैटी का यूज नहीं होता है, पिज्जा फिलिंग बनाई जाती है उसको हम स्प्रेड करते हैं। लीजिए इस तरह से ये दोनों मैंने तैयार कर लिए। अब इसके ऊपर जाएगी बर्गर पिज्जा की जान मोज़ारेला चीज यानी पिज्जा वाली चीज। इसका भी मैंने ऑनलाइन परचेज करने का लिंक दिया है, मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल है। तो बस ये मैंने ग्रेटेड ली मोज़ारेला चीज यानी पिज्जा वाली चीज, और इसको आप बढ़िया से जितना चाहें अपने हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। और अगर आपके पास पिज्जा चीज यानी मोज़ारेला चीज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लीजिए चीज स्लाइस और चीज स्लाइस को इसके ऊपर इस तरह लगा दीजिए। चीज स्लाइस तो जनरली घर में रहती ही है तो इस तरह आप चाहें तो चीज स्लाइस लगा दें। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी पिज्जा सीजनिंग, या आप हर्ब्स डाल दें, ओरिगेनो, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स। लग रहा है ना एकदम मजेदार, और बनाना भी कितना आसान है। अब आप लीजिए इसका दूसरा इसका पीस और इसके ऊपर आप लगा दें इस तरह, और इस वाले बर्गर का भी ऊपर की स्लाइस इसके ऊपर इस तरह लगाएं। और फटाफट इसके ऊपर हम लगाएंगे ये पिज्जा वाली सॉस, हल्का सा कर दें इस तरह स्प्रेड, थोड़ा इस पर भी लगा देंगे। ये देखिए क्या मस्त लग रहे हैं। और ऊपर से फाइनली इस पर जाएगी हमारी पिज्जा वाली चीज। बढ़िया से लगा दे जैसे डोमिनोज में मिलता है ना मार्केट में, बिल्कुल वैसे ही लुकिंग आ जाएगी। और अगर चीज स्लाइस से बना रहे हैं तो चीज स्लाइस लगा दें। ये देखिए क्या मस्त हमारे बर्गर पिज्जा लग रहे हैं वेज प्रीमियम, और जब बनेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे और बिल्कुल मार्केट जैसी लुकिंग आए। तो ऊपर से भी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा गया ओरिगैनो या इटालियन सीजनिंग। तो लीजिए हमारे डोमिनो स्टाइल बर्गर पिज्जा है बिल्कुल तैयार। आज हम इस बर्गर को पैन या फिर आप तवा भी ले सकते हैं, इसी पर हम इसे बेक करेंगे। तो बस उसके लिए आप लीजिए इस तरीके का पैन या तवा, और फ्लेम को कर दीजिए लो, और लो फ्लेम पर हल्का सा डालिए इस पर ऑयल या बटर, और इसे कर लीजिए ग्रीस। क्योंकि हमने रेडीमेड बर्गर बंस ली हैं जो पहले से ही बेक्ड है, इसलिए अब हमें दोबारा उनको बेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्रिस्पी बढ़िया बर्गर हमारा इसी पर तैयार हो जाएगा। तो बस उसके लिए एक मिनट आप इसे गर्म कर लें, लिड लगाकर आप इसे एक से दो मिनट बढ़िया से लो फ्लेम पर गर्म कर लें। अब पैन हो गया है हमारा गर्म, तो चलिए बर्गर को बेक करते हैं। तो बर्गर को इस तरह रख देंगे। अब हमें इसे तब तक पकाना होगा जब तक कि बढ़िया से चीज पूरी तरह मेल्ट ना हो जाए और बर्गर हमारा बढ़िया तरीके से बेक हो जाए। अब यहाँ पर एक जरूरी ट्रिक,
आप लीजिए थोड़ा सा पानी, उसके छींटे चारों तरफ पैन में लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जो स्टीम जनरेट होगी पानी से, उससे चीज जल्दी मेल्ट होगा और आपका समय कम लगेगा। तो बस थोड़ा सा ही हम पानी डालेंगे साइड से और अब इस पर लगा देंगे इस तरह से एक बड़ा बर्तन, जिससे कि बर्गर से वो टच ना हो। अगर कोई लिड हो आपके पास बड़ा सा तो वो भी लगा सकते हैं। ये बर्तन इस पर सेट हो गया है तो मैंने ये लगा दिया है। अब लगभग 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर बढ़िया से हम इसको पका लेंगे, जिससे कि चीज पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। बहुत कम समय लगता है फ्रेंड्स और परफेक्ट हमारी चीज मेल्ट होगी। अब जैसे मैंने ये पैन पे किया है, आप इसको अवन या एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड अवन या एयर फ्रायर में लगभग 3 से 4 मिनट के लिए आप इसे बेक भी कर सकते हैं। तो लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हटाकर चेक करते हैं। वाओ, सुपर्ब, ये देखिए कितनी जबरदस्त हमारी चीज मेल्ट हुई है, एकदम परफेक्ट तवे और पैन में भी, और वो भी सिर्फ 3-4 मिनट में। तो देखा कितना आसान है घर में डोमिनो स्टाइल बर्गर पिज्जा बनाना। और ये देखिए सब तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम प्रॉपर बेक हुआ है, चीज पूरी तरह से बढ़िया मेल्ट हो गया है, क्योंकि हमने वो जो ट्रिक यूज की थी उससे एकदम प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेगा। तैयार है हमारा डोमिनो स्टाइल बर्गर पिज्जा बैश प्रीमियम, क्योंकि हमने इसमें पनीर डाला है तो ये बैश प्रीमियम है। अगर आपको सिंपल क्लासिक बनाना है तो पनीर आप मत डालिए, मतलब जो देखेगा ना वो रुकेगा नहीं, तुरंत इसको उठाकर खाने का मन कर जाएगा। और वो भी बनाने में ये एकदम झटपट तरीका है, आपको कोई मेहनत की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंपल आप इस तरीके से बर्गर पिज्जा बाजार जैसा बना सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से अब हम अपना दूसरा वाला बर्गर पिज्जा भी बेक कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, वाओ टेम्प्टिंग, मुंह में पानी आ जाएगा फ्रेंड्स, जरूर बनाइएगा, बहुत बढ़िया बनता है, आसान तो है ही। और देखा आपने, प्रॉपर आप डोमिनो स्टाइल बर्गर पिज्जा घर में आसानी से बना सकते हैं, वो भी इतनी झटपट। टेक्सचर, लुकिंग और जो चीज मेल्ट हुई है एकदम परफेक्ट है। कोई देखकर बोल सकता है कि ये बर्गर पिज्जा आपने घर में बनाया है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन बर्गर और पिज्जा का। और चलिए हमारा दूसरा बर्गर भी चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए एकदम परफेक्ट डोमिनो स्टाइल चीजी चीजी हमारा पनीर वाला बर्गर पिज्जा, आ गया ना मुंह में पानी, जरूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएगा, बच्चों को तो ये फेवरेट होने वाला है और आपके लिए बहुत ही आसानी से बनाना। परफेक्ट हमारा चीज मेल्ट हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, और एकदम वही लुकिंग जब आप खाएंगे तो टेस्ट भी बिल्कुल डोमिनो स्टाइल ही है। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे डोमिनो स्टाइल बर्गर पिज्जा, आ गया ना आपके भी मुंह में पानी। ये देखिए, कोई बोल सकता है कि आपने घर में इतनी झटपट मिनटों में बनाया है, सुपर यमी चीजी हमारा बैच प्रीमियम बर्गर पिज्जा, बहुत ही आसान है जैसे आपने देखा, बहुत बहुत टेस्टी फीलिंग है इसकी, जरूर बनाइएगा, बिल्कुल वही टेस्ट लगेगा जैसे आप डोमिनोज में खाते हैं। सुपर, जबरदस्त फीलिंग के साथ। इन दिनों जहां हम हर चीज घर में ही बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप इस तरह बच्चों को, सभी को परिवार में सरप्राइज दे सकते हैं और आपको मिलेगी तारीफ, क्योंकि ये तो बनते ही 100% परफेक्ट है। जरूर बनाइए और मेरे साथ बना करके इसकी पिक्चर्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर शेयर करें, मुझे बहुत खुशी होगी। मजेदार, तो अब मुझे तो रुका नहीं जा रहा है और मेरा बेटा भी इंतजार कर रहा है कि कब ये हाथ में आए। आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए घर में ही डोमिनो स्टाइल बर्गर पिज्जा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।